अच्छा, हमने स्टेटमेंट के बारे में आप लास्ट वीडियो में तफसील से जान लिया कि स्टेटमेंट क्या होती है। अब हम थोड़ी बहुत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। कंप्यूटर से काम करवाना है, जाहिर बात है, तो उसी से उसकी ज़बान में बात करनी पड़ेगी और उनकी ज़बान सीखनी होगी। जैसे अगर आजकल पाकिस्तान में चाइनीज़ बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने चाइनीज़ की ज़बान, चूँकि उनसे डीलिंग होगी, उनसे बात होगी, उनसे बिजनेस होगा, तो चाइनीज़ सीखना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम कंप्यूटर से बात करवाना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो जाहिर बात है, कंप्यूटर की ज़बान भी सीखनी पड़ेगी, और उन हज़ार से सवाए और ज़ीरो और वन के कुछ तो उनको समझ भी नहीं आता जो कंप्यूटर साहब हैं, वो सिवाए ज़ीरो और वन के जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसके अलावा उसको समझ भी नहीं आता। खैर, अगर ज़ीरो और वन में प्रोग्रामिंग शुरू की है, अपनी हर बात के लिए सिर्फ़ एक मखसूस ज़ीरो वन का कोड बनाया गया, जैसे असेंबली लैंग्वेज में पहले पहले जो असेंबली लैंग्वेज मार्केट में आई, मगर ज़ीरो वन प्रोग्रामिंग जान का अजाब साबित हुई। एक छोटे से प्रोग्राम को लिखने के लिए एक तवील प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी जब ये असेंबली लैंग्वेज होती थी, और ये उस तरफ और ये उस पे तर रही कि 2 दिन बाद ये प्रोग्राम देखो तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। कोई और शख्स देखे तो भी किसी की ज़िंदा तस्वीर बन जाए, तो कोई गलती तलाश करना हो तो बड़ी मुश्किल पेश आए। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो इर्तिका है। अब इस तमाम तरक्कार को छोड़कर इंसान ने सोचा कि हम अपनी ज़बान में ये बात करें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छोटे छोटे जुमले या अल्फाज लिखे और काम हो जाए। मगर अब एक अदद जिन दरकार था, जो दरमियान में जो हमारी बातें कंप्यूटर को समझा सके और कंप्यूटर उनको समझ सके, तो बिलाखिर वो जिन मिल गया, उसका नाम जो है ना कंपेलर है। इंसान के लिए काबिल फ़हम ज़बान में दी गई हिदायत को बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में तब्दील करने के तमाम तर काम कंपेलर सर अंजाम देता है।